दोस्तों, हमारी सुंदर पृथ्वी पर ऐसे कई खूबसूरत जगह है जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग लुत्फ़ उठाने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ पर लोग भूल कर भी जाने की हिम्मत नहीं करते। ये जगह इतनी डरावनी और खतरनाक है कि यहाँ पर पल भर में किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। दोस्तों, इस स्थान को पृथ्वी के नरक का द्वार कहा जाता है। ये जगह कई रहस्य को अपने भीतर समेट रखी है। डानाकिल डिप्रेशन पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में एक है। ये उत्तरी इथोपिया नामक देश में आई है। इस जगह पर ज्वालामुखी की कई सघन क्रिया होती है। ये जगह इतनी गर्म है कि इसके नजदीक जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी जगह है कि मेक्सिको से दक्षिण और जोचिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डेला म्यूनिकेस पर आई हुई है। यहाँ आपको कई डरावनी कुड़िया पेड़ों पर लटकी हुई देखेगी। वहाँ के लोगों का कहना है कि बड़ी तादाद में यहाँ की गुड़िया एक दूसरे से कानफूसी करती है, यानी एक दूसरे से बात करती है। वे आंखें घुमाती है और एक दूसरे से इशारों में बात करती है। ये जगह काफी खतरनाक है। अक्सर यहाँ पर घूमने के लिए लोगों को टूर गाइड ले जाने की सलाह दी जाती है। टूरिस्ट को यहाँ पर अकेले घूमने की इजाजत नहीं है। तीसरा है बरमूडा ट्रायंगल। ये जगह के बारे में आपने बहुत सुना होगा। 100 सालों से रहस्य का विषय बना हुआ है। कई शोध और रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके राज से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। पिछले लंबे समय से न जाने कई विमान, एयरक्राफ्ट और जहाज इसके भीतर रहस्यमय ढंग से गायब हुए हैं। ये जगह उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। ये जगह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व तट पर मियामी से महज 1770 किलोमीटर और हेलिफैक्स नोवा स्कोटिया कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर आई हुई है। दोस्तों, चौथा है इजिप्त के पिरामिड। इजिप्ट में स्थित गिजा के पिरामिड आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। पिरामिड के अद्भुत कलाकृति और इनके विशाल ढांचे के कारण वैज्ञानिक आज भी इस बात को जान नहीं पाए हैं कि आज से लगभग हजारों साल पहले इसे लोगों ने कैसे बनाया था। दोस्तों, गिजा के पिरामिड के भीतर कई ऐसे राज दफन है जिनके बारे में वैज्ञानिकों को आज भी कुछ नहीं पता है। दोस्तों, पांचवा है लद्दाख में आया हुआ मैग्नेटिक हिल। काफी रहस्यमय जगह है। यहाँ पर ग्रेविटी के सभी नियम विपरीत दिशा में काम करने लगते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को सिर्फ खड़ा कर देंगे तो वह खुद ब खुद ऊंचाई की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा पहाड़ों के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। वहीं कई दूसरी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण होता है। असल में रोड नीचे की तरफ जा रहा है पर भ्रम में वो हमें ऊपर जाते हुए दिखता है। दोस्तों, आगे है कि ब्राजील के साओ पालो द्वीप का एक तट का नाम है स्नेक आइलैंड। ये इसका निकनेम है। इसे इल्हा डी क्विमांडा ग्रांड कहते हैं। यहाँ वाकई एक रहस्यमय जगह है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहाँ सांप पैदा हो गए और कब से यहाँ सांप लाखों की संख्या में रहते हैं, ये निश्चित ही एक रहस्य है। दोस्तों, यहाँ पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। ये सांप यदि किसी को काट ले तो आदमी 10 या 15 मिनट के अंदर मर जाता है। दोस्तों, पूरे ब्राजील में जो सांपों से काटने से मौत होती है उसमें से 90% मौत के लिए यहाँ के सांप जिम्मेदार है। मौजूदा हालत में ब्राजील की नेवी ने लोगों के यहाँ घूमने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों, आगे है कि अमेरिका के बोस्टन के ओहाया के पास एक गांव आया हुआ है जिसे हेल टाउन कहा जाता है। पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है। दोस्तों, बोस्टन को 1806 में स्थापित किया गया था और 1974 में बिल काउंट में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहां के स्थित कई मकानों को गिराने पड़े। इस अफवाह के बाद की सरकार यहां रासायनिक पदार्थ छिपा रही है। इस शहर को ऐसा ही छोड़ दिया गया, तभी से यह शहर वीरान पड़ा हुआ है, जिसके चलते इसे नरक का शहर भी कहा जाता है। वहां के प्रॉपर लोगों का कहना है कि अब यह शैतानों का गांव है। आगे है फ्रेंच कैप्टकॉम्स।
पेरिस में जमीन में 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्रों का तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडी को संयोगा गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब 2.2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। यह भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में आया हुआ 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक स्थान एक गड्ढे में दफन किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटकॉम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद है। इस कैटकॉम्ब को बहुत लोग देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको कौन सी जगह ज्यादा डरावनी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरी YouTube चैनल पर नए हैं तो राजा वाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।